गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी क्लास। नाउ टेक आउट योर हिंदी ग्रामर बुक। यस्टरडे वी रेड द चैप्टर नंबर 6 लाइक। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रेड दिस चैप्टर एट योर होम। हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 6 लिंग। तो लिंग में हमने पढ़ा था जिन पर शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जो नर जाति के शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, पिता, दादा, ये सब क्या है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये क्या है, पुल्लिंग है। और मादा जाति के शब्द क्या कहलाते हैं, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। उनसे जैसे लड़की, माता, दादी, ये सब क्या है, शेरनी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग मादा जाति के शब्द है। तो ये जोड़ने क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो और हमने बहुत सारे, मैंने आप लोगों से कहा था इंद्रियलिंग शब्द दिए हुए हैं लिंग, तो उनको मैंने याद करने के लिए कहा था, पढ़ने के लिए कहा था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न दिस एट योर होम। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, लेट मी स्टार्ट। निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु है पुल्लिंग और स्त्री। जो ऐसा है, एक तो जो वो होती है, एक तो हिंदी व्याकरण में मैंने बताया था जो निर्जीव वस्तु है जिनमें कोई जान नहीं होती, जो निर्जीव होती है उन्हें भी नर और मादा वर्ग में रखा जाता है। तो निर्जीव वस्तुओं के पुल्लिंग और स्त्री रूप क्या है, देखिए पुल्लिंग है चांद, तो चांद का स्त्रीलिंग क्या है, चांदनी। सूरज, सूरज क्या है, पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग क्या है, धूप। सूरज का क्या है, धूप। आकाश, आकाश का स्त्रीलिंग धरती, आकाश का स्त्रीलिंग धरती। फल, दरवाजा, दरवाजा का खिड़की। पहाड़, बादल, दूध, मक्खन, ताला, आलू, टमाटर, बैगन, सेब, आम, हथौड़ा, पंखा, केला, पकौड़ा, रसगुल्ला, अंगूर आदि। कैसे शब्द हैं ये पुल्लिंग निर्जीव वस्तुएं हैं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं और ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं, चांदनी, धूप, धरती, फली, कली, खिड़की, पहाड़ी, वर्षा, बर्फी, चाबी, लीची, की, हथौड़ी, गर्दन, सड़क, हाथ, हड्डी, पकौड़ी, लौकी, तोरी, घंटी आदि। कैसे शब्द हैं ये, स्त्रीलिंग हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और ये सब कहते हैं, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सब कहती हैं निर्जीव वस्तुएं हैं। तो ये निर्जीव वस्तुएं कुछ पुल्लिंग शब्द हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। एक ही मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले शब्द हम देखेंगे, जैसे पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जैसे मीठा, तो मीठा में हम मीठी मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीठी। माँ के बड़ी की मात्रा, थर्ड माँ के बड़ी की मात्रा मीठी। ऊंचा, ऊंचा का स्त्रीलिंग की मात्रा लगेगी
गहरी यानी कि स्त्री, पतला, पतला पुल्लिंग शब्द है, उस पे हमने ई की मात्रा लगाई तो वो हो गया स्त्री लिंग। बड़ा, बड़ा भी एक पुल्लिंग शब्द है, उस पे हमने ई की मात्रा लगा दी तो वो हो गया स्त्री। पिछला, पिछला एक पुल्लिंग शब्द है और उस पे हमने ई की मात्रा लगाई, पिछली हुआ और वो स्त्रीलिंग हो गया। अंधा, अंधा पुल्लिंग शब्द है और उस पर हमने ई की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं और जब उसमें आप इस ई की मात्रा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं जिनमें आप इनका स्त्रीलिंग नहीं बनता। जैसे दिन है, दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जो भी एक हफ्ते के दिन होते हैं उनका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। महीने हैं, महीने कौन से, एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनका भी क्या है, स्त्रीलिंग नहीं होता। देश है, भारत है, पाकिस्तान, जितने भी देश हैं इनका भी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता, ये हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग ही रहते हैं। पर्वतों के नाम हैं, सागर और ग्रहों के नाम जितने भी हैं वो क्या है, उनके स्त्रीलिंग नहीं होते, वो हमेशा जो पुल्लिंग होते हैं वो पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, इसी तरीके से क्या है, कुछ स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भी हैं। जैसे क्या है, कौन कौन से देखिए, नदी, जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, वो क्या है, वो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। नहर है, तिथि है, ऋतु है, भाषा और बोलियों के नाम जो भी हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, उनके कभी भी पुल्लिंग नहीं रहते। इसी तरीके से मक्खी, बत्तख, चील, मकड़ी, तितली आदि स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर शब्द लिख देते हैं। जैसे मक्खी है, बत्तख है, चील है, मकड़ी, तितली आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द सब स्त्रीलिंग शब्द हैं और हमें इनको जब पुल्लिंग बनाना होता है तो हम इनके आगे क्या लिख देते हैं, नर शब्द लिख देते हैं, तो वो पुल्लिंग हो जाता है। जैसे अगर मक्खी दिया जाए, मक्खी है और इसको हमें क्या करना है, पुल्लिंग बनाना है, तो हम इनके आगे क्या लिखेंगे, नर मक्खी। क्या लिखेंगे इसके आगे हम, नर मक्खी। समझ में आ रही है ना, तो नर चील, चील है तो उसके आगे भी उसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम लिख देंगे नर चील। इसी प्रकार तोता, उल्लू, चीता, खटमल आदि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले मादा लिख देते हैं, जैसे मादा उल्लू, मादा तोता आदि। अब जैसे यहाँ हमने जब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया तो हमने लिखा नर मक्खी, और अगर हमें तोता, उल्लू, चीता, खटमल आदि कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द, और इनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनके आगे क्या लिखते हैं, होता है और इसके आगे हमें इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लिखेंगे मादा तोता। क्या लिखेंगे, मादा तोता। समझ में आ रही है, जब हमें कुछ शब्दों के जो पुल्लिंग से, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने हैं तो उनके आगे हम लिखते हैं नर मक्खी, और जब हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना होता है कुछ शब्दों का तो हम उसके लिखते हैं मादा तोता। जैसे तोता है तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, मादा तोता। समझ में आ रही है ना, निर्जीव वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती है, मैंने अभी आपको बताया, जिनमें कोई जान नहीं होती उनमें क्या है, लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। मेरे ख्याल से आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। Please read this at your home, okay? And learn it from
फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.